बापूजी का सत्संग था उजानी उत्तर प्रदेश में। बापूजी सुबह सुबह खुली हवा में शाम को भी जाते घूमने। भक्त लोगों ने खूब, बापूजी आए तो खूब इकट्ठा हो गया था, प्रसाद में वे मिठाइयाँ ये वो। बापूजी तो कहाँ खुद भोग लगाएंगे, तो सेवकों को बोलते कि थैले भर के चलो घूमने भी जाएंगे और गरीब गुरबों को भी बांटेंगे। बापूजी बांटते जा रहे जुगी जुबड़ियों वालों को, अब कुछ कुत्ते भी सम्मिलित हो पीछे पीछे। बापूजी ने उन कुत्तों को भी खिलाया, लेकिन एक कुत्ता नहीं खा रहा था जयराम जी की। एक कुत्ता वो बापूजी से न बिस्किट ले न मिठाई ले। बापूजी ने देखा ये मेरे तरफ श्रद्धा भाव से देख रहा है, भाव से देख रहा है, लेकिन मैं दे रहा हूँ तो खा नहीं रहा है। गांव वालों से पूछा, भाई दूसरे कुत्तों ने तो लिया तो ये कुत्ता नहीं ले रहा है। गांव वालों ने कहा कि बापूजी ये कुत्ता मंगलवार को नहीं खाता है, उपवास रखता है। बापूजी ने सेवक से पूछा कि आज कौन सा दिन, बोले हाँ बापूजी आज मंगलवार है। हद हो गई। बापूजी को एक तरफ से प्रसन्नता भी हुई कि चार पैर वाला कुत्ता ये कौन सी स्कूल कॉलेज में गया, कौन इसको कैलेंडर में बताएगा कि आज मंगलवार है और मैं मंगलवार का उपवास करता हूँ। जयराम जी की। किसी न किसी जन्म में वो भगवान की भक्ति करता होगा, लेकिन किसी कारण से भक्ति अधूरी छूट गई, यूनिफॉर्म चेंज हो गया। जयराम जी की। यूनिफॉर्म समझते हो, दो पैर में से चार पैर वाला हो गया है, लेकिन भगवान की भक्ति छूटती नहीं है। समझो कोई बंबई से इधर बाय रोड बाय कार अहमदाबाद आश्रम में शिविर भरने आ रहा है, और सूरत में आते आते उसकी कार बिगड़ गई तो वहाँ गैरेज में छोड़ देगा, वापस बंबई नहीं जाएगा, सूरत से इधर यात्रा करेगा। ये बात आप लोग स्वीकार कर, ठीक बात, वापस बंबई थोड़ी जाएगा, वहाँ किसी गैरेज में रख देगा और आगे की यात्रा करेगा। इसी तरह साधना करते करते, भक्ति करते करते शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ और वो गाड़ी गैरेज में राम नाम संग है वहाँ रुकी, लेकिन दूसरे जन्म में आपको जहाँ से साधना रुकी थी वहाँ से फिर साधना चालू हो जाएगी, आपकी साधना नष्ट नहीं होगी। जैसे वो कुत्ता है, लेकिन उसको याद है कि आज मंगलवार है, मुझे मेरी साधना चालू रखनी है, तो वो उपवास रखता है। कौन उसको बताता होगा? नारायण हरि। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, नामदेव जी के वहाँ जनाबाई सेविका, वो भी नामदेव जी के संग में भक्ति के रंग में रंग गई। दूसरे दिन संत सम्मेलन होगा, साधु संत आएंगे, भंडारा होगा, जनाबाई चक्की चला रही है। पहले के ज़माने में हाथ से चक्की आटा पीसते, अब महाराज चक्की चलाते चलाते एक स्त्री वो कितनी देर बिचारी चलाएगी, और विट्ठल की भक्तानी चक्की चलाते चलाते सो गई कि विट्ठल की याद में खो गई, वो तो भक्त लोग जाने। चक्की चलाते चलाते सो गई। अब भगवान की जो भक्त लोग होते हैं वो बात बात में भी भगवान का नाम लेते हैं, सब्जी परोसेंगे तो भी राम रस, किसी को ठोकर लगती है तो बोलेगी निगुरा के, निगुरे को ठोकर लगेगी हाय मैं तो मर गई, लेकिन सगुरे के लगेगी हे राम, उसके अंदर भगवान का नाम निकलेगा। गांधी जी को गोली लगी तो हे राम। तो जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में भगवान को याद करते। तो महाराज जनाबाई भी विट्ठल की याद में खो गई, और इधर चक्की कौन चलाएगा, आटा कौन पीसेगा। लेकिन जिसकी ये भक्तानी है वो तो जानता है,
भगवान कृष्ण को महाराष्ट्रियन लोग विट्ठल कहते, विट्ठल भगवान। ये जिसकी भक्तानी है वो जानता है। तो महाराज अपनी भक्तानी की लाज रखने के लिए भगवान तिकड़े आए और चक्की चलाने लग गए। ये इसी कलयुग की सत्य घटना है, ये इसी कलयुग की सत्य घटना है महाराष्ट्र की, कि भगवान जगतपति नौकर बनने के लिए तैयार है भक्त के लिए। भगत मेरे मुकुटमणि में भक्तन को दास, जो मेरी भक्ति करेंगे उनके लिए मैं सुरद हूँ, उसका कृपाल हूँ, अकारण हेतु रहित मैं उसका भला करने वाला हूँ। ऐसी ही घटना यदि किसी सेठ के वहाँ हो और नौकर या नौकरानी सो जाए, सेठ की नींद जगे नौकरानी, वो उसकी जगह चक्की नहीं चलाएगा अपितु पीछे से बड़ी कीक मारेगा, हराम की पकार लेता, जयराम जी की हैं, सुबह तो मेरे दादा लोग आएंगे खाने, हराम की पकार नहीं। भगवान के भक्त निश्चिंत रहते। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन ने खूब खूब उकसाया, हमारे अन्न खाते हो, लड़ते हो मानो पांडवों के तरफ से, एक भी योद्धा उनका मरता नहीं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त के पहले पांचों पांडव को धराई से कर। पांडव पक्ष में खलबली मच गई, पांडव पक्ष में खलबली मच गई कि अब क्या होगा। युधिष्ठर, सहदेव, नकुल, भीम तक टेंशन में, द्रौपदी टेंशन में, लेकिन अर्जुन सो रहा है, जयराम जी की, अर्जुन सो रहा है। किसी ने पूछा, कल भीष्म पितामह ने कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा ली तुमको मालूम और तुम सो रहे हो? हाँ, बोले मैं सो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा बाप जग रहा है ना, जयराम जी की, मेरा बाप कन्हैया जग रहा है इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो भक्त निश्चिंत होता है। हांगकांग में बापूजी का एक साधक सर्विस करने गया, कंप्यूटर इंजीनियर, नाम उसका दिनेश। 6 महीने उधर उसने जॉब की, पक्का वीजा हुआ नहीं, और आजकल महंगाई भी इतनी कि क्या बताए। तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में छटाई कर देते, और बोले कल कंपनी के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लिस्ट आ जाएगा कि किस किस युवाओं को कंपनी से फ्री कर देंगे। अब ये बेचारा बड़ी उम्मीद लेकर विदेश में गया, और मेरा क्या होगा, मेरा नाम भी आ सकता है, मेरा जॉब तो पूरा हो गया, दूसरी कंपनी में भी मैंने अलाउंस खोजा नहीं है जॉब के लिए, अब क्या करूं। तो ये आत्महत्या करने नहीं गया, ये जवान आत्महत्या करने नहीं गया। बापूजी के आगे रात भर जप करता रहा, दीपक लगा के बापूजी को पुकारता रहा कि बापूजी भारत में मेरे परिवार, वो बड़ी आशा लगा के बैठे कि कुछ कमा के आएगा तो घर का ठीक ठाक चलेगा, अब मेरी तो शायद कल नौकरी जाने वाली है, अब मैं क्या करूं, मेरी डोरी तेरे हाथ। पुकारते पुकारते बापूजी को वो सो, नींद आ गई उसको, नींद में बापूजी आए। बापूजी ने कहा, तू करवट लेके क्यों नींद खराब कर रहा है, तू निश्चिंत होकर सो जा, तू निश्चिंत होकर सो जा, अब तेरे बदले मैनेजर जगेगा, जयराम जी की, तेरे बदले मैनेजर जगेगा, तू सो जा। महाराज बापूजी ने ये आशीर्वाद दिए, तनिक नींद ली, सुबह ना धोकर नियम करके गया। तो जो अकड़ू खान मैनेजर किसी से ढंग से बात न करे, उसने सामने से बुलाया, भाई दिनेश इधर आना, इसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, शायद बोलेंगे कि ये तेरा आज कंपनी में आखिरी दिन है, पता नहीं क्या बोलेंगे, सामने से बुला रहा है। वो अंदर गया, गुड मॉर्निंग सर, हाँ, बोले कल रात से मुझे पता नहीं क्यों तेरे बारे में ही चिंतन होने लगा, वो हांगकांग में विदेशी मैनेजर
इस साधक को बोलता है, पता नहीं कल रात से मुझे तेरा चिंतन होने लगा। उसने सोचा ये मेरा चिंतन क्यों करने लगा मुझ जैसे गरीब का। मैंने सोचा है तू काम भी अच्छा करता है, अब तेरे को इस कंपनी से फ्री कर दे तो तू कहाँ समय बिताएगा, विदेशी कम विदेश में तेरे पास और वीजा भी नहीं है आगे का समय के लिए, तू तो बड़ी आस लेकर इधर आया था, दूसरी कंपनी में भी तेरे को इतना जल्दी रखेंगे नहीं, तो मैं रात भर सोचता रहा तेरे लिए। अब वो मैनेजर का ऐसा बोलना और इस साधक की आंखों में आंसू आना, बोले तू रो क्यों रहा है, मैं तो तेरे लिए भला सोचा तू रो क्यों रहा है। बोले साहब आप बुरा ना मानो तो सत्य बताऊं, मैं बापूजी का भक्त हूं, बापूजी ने कहा दिनेश तू चिंता मत कर अब तेरे बदले तेरा मैनेजर जगेगा, बापूजी की वो बात भी सत्य साबित। मैनेजर ने कहा पहले तू ये बता तेरे गुरु कौन जिसने मुझे जगाया रात भर जयराम जी की। बोले विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू है, उनका मैं शिष्य हूँ। बोले धन्य है तुझे, बापू जी की किताब के सेट हो तो मुझे भी देना, मैंने रात भर तेरे लिए जग कर तेरे लिए इस कंपनी में तेरा 6 महीना काम और चले ऐसा जॉब वर्क मैंने खोज निकाला है। जय राम जी की। गीता का वचन है भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्ति मामृच्छति, ज्ञात्वा शान्ति मामृच्छति। इस प्रकार जो भक्त दृढ़ता से बात स्वीकार कर लेता है कि मैं जो कुछ पूजा प्रार्थना अर्चना साधना करता हूँ उन साधना पूजा का सर्वलोक महेश्वर भोक्ता मेरे गुरु गोविंद है और वे परम दयालु है कृपालु है और हर घड़ी वो मेरे अंग संग है, ये दृढ़ता रख कर जो भक्ति करेगा उसके अंदर परम शांति प्रवेश होगी। संत एकनाथ जी महाराज और दूसरे साधु संत, श्रावण का महीना और आपने देखा होगा कांवड़िए होते बीच में बड़ा डंडा दोनों तरफ घड़े पानी के और जो भी प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहाँ जल चढ़ाते हैं, तो एकनाथ जी महाराज और दूसरे साधुओं ने तय किया के हम गंगा जी ते जल लाएंगे और रामेश्वर भगवान को मद्रास में जो है ना ज्योतिर्लिंग रामेश्वर भगवान उधर जल चढ़ाएंगे, पैदल का जमाना। तो महाराज गोमुख का जल, कंटीला मार्ग, पथरीला मार्ग, पहाड़ी दुर्गम एरिया, जैसे तैसे करके वहाँ से जल लाए, दोनों तरफ घड़े भरे हैं, पैदल का जमाना। तब उस समय साइकिल तो क्या स्कूटी बूटी टूटी कुछ बनी नहीं थी, पैदल ही लोग आते जाते थे, यहाँ तो घोड़े पे सवारी करे। जल लेकर वो आ रहे, आते आते राजस्थान जैसा कोई सूखा इलाका आया होगा, वहाँ रण प्रदेश में एक गधा बिना पानी के तड़प रहा था, बिना जल के मारे प्यास के तड़प रहा था। पहले कुछ साधु देखे इतनी दूर से जल लाए गधे को पिलावे, देखा अनदेखा करके आगे बढ़ गए। पीछे से एकनाथ जी महाराज आए, उन्होंने भी गधे को देखा, उन्होंने घड़ा नीचे उतारा और प्यासे गधे को जल पिलाया। पानी पी के गधे ने मानो उसके प्राण बचे, भले वो गधा बोल नहीं सकता है लेकिन उसकी आँखों से
वो परमात्मा सब कुछ बोल सकता है। एक नाथ जी महाराज को भी तृप्ति हुई, अब एक घड़ा बचा है, वो ले जा रहे हैं रामेश्वर भगवान को जल अभिषेक करने के लिए। जो ही मंदिर में पहुँचे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे संत प्रवर, अब तुझे यहाँ जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, तेरी पूजा आराधना जल मैंने गधे के रूप में स्वीकार कर ली थी। गधे के रूप में भी मैं हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, प्राणी मात्र के अंदर मैं हूँ। बापूजी दीपावली कैसे मनाते? आदिवासियों में जिनको मोबाइल नहीं, जिनको पता नहीं कि आज बापूजी कहाँ होंगे, विदेश के लोग थक गए कि बापूजी फॉरेन आइए दोबारा, आप नहीं जाते। लेकिन जिन आदिवासियों के पास ठिकाना नहीं रहने का, न कपड़े का, न मोबाइल का, बापूजी सामने से उनके बीच जाकर दीपावली मनाते। उन ज़रूरतमंदों को कपड़े, अनाज, रुपए, पैसे, मिठाई, ज़रूरत की 20-25 चीज़ें बांटते। आप लोगों ने देखा होगा बाहर से कुछ, लेकिन संत समझते हैं कि ये नर के अंदर मेरे नारायण है, यही मेरे नारायण रूप है, सबके अंदर मेरा वही परमात्मा है। बाहर से हमको कुछ दिखे लेकिन अंदर में सबके अंदर वही रब परमात्मा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार हम राजस्थान निवाई गौशाला में चेकिंग करने के लिए रात को राउंड मार रहे थे, एक बहुत बड़ी तगड़ी गाय, उसके पास बड़ा तगारा था, उसमें पशु आहार भी था लेकिन गौ माँ खा नहीं रही थी। हमने तगारा और निकट किया तो भी गौ माँ खा ही नहीं। हमने सोचा ये कुछ चाहती है, अब बोल तो सके नहीं। हम क्षण भर उधर रुके और उठाई एक बाल्टी 8-10 लीटर की, भर के गौ माता के आगे रखी। माता ने मुंह अंदर डाला और एक ही बार में पूरी बाल्टी खाली कर दी। हमको हुआ अभी और प्यासी होगी, दूसरी बार भरी बाल्टी, वो भी लगभग पी गई 12-13 लीटर पानी। इतने में दूसरे साधक भाई भी आ गए, लेकिन उस गौ माता ने जब मुंह ऊपर किया, न इकड़े देखा, न तिकड़े देखा, न दाएं देखा, न बाएं देखा, जिसने पानी पिलाया उसकी तरफ देखने लगी, आंखों से आशीर्वाद दे रही थी। जय राम जी की। आप जिसका मंगल करते हो उसके पास जुबान हो न हो, लेकिन उसकी चेतना को जो चलाता है वो सुरदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वर। नारायण हरि, नारायण हरि। ये जरूरी नहीं कि आप अहमदाबाद में हो, बापूजी अहमदाबाद में है तो आपकी पुकार सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अमेरिका में क्यों न हो, अरे सात लोग ऊपर में चले जाओ, उधर किसी को तकलीफ हो, स्वर्ग में वह कहीं भी चला जाए और अपने गुरु गोविंद को पुकारे तो पुकार सुनी जाती है। जरूरी नहीं कि श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पहाड़ों से फिकवाते हैं, भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होकर प्रहलाद को थाम, सर्पों के बीच डालते सर्प फूलमाला बन जाती है। बापूजी के प्यारे भक्तों के जीवन में भी ऐसी बहुत घटना बनती है। पुणे के पास ही एक दूसरी लड़की बापूजी से मंत्र दीक्षा लेकर MBBS पढ़ने के लिए मॉस्को गई, रशिया, लेडीज़ हॉस्टल में रहती। एक दिन उनकी लेडीज़ हॉस्टल में बहुत बुरी तरह आग लगी, दूसरी मंजिल पे रहते थे, ऐसी भयंकर आग लगी कि पूछो मत, सीढ़ियाँ उतर के भी नीचे न जा सके।
उसने अपनी रूम पार्टनर को कहा कि अब क्या करें। उसके रूम पार्टनर कोने में बैठी, मैं तो डर के मैं मर गई, मेरा क्या होगा। अब इसको हुआ कि ऐसी विकट परिस्थिति में बापू के सिवाय मैं किसको पुकारूं। उस महाराष्ट्रियन लड़की ने बापूजी को पुकारा कि बापूजी मैं का ही करा, माला माइत नहीं। बापूजी ने कहा घबरूस नको, मैं तुझी पाठी सा है, मैं तेरे साथ हूँ, तू दूसरी मंजिल से नीचे छलांग मार। वो दूसरी मंजिल पे रहती थी, ये पहली मंजिल, इससे ऊपर दूसरी मंजिल, जवान कन्या नीचे जम मारे उसकी क्या हालत। लेकिन बापूजी के वचनों पर विश्वास रखकर उसने दूसरी मंजिल से नीचे छलांग मारी। जब नीचे आई तो उसको लगा बापूजी के अदृश्य हाथों ने मुझे थाम लिया है। और उसे उसका नाम शिल्पा, उस कन्या का नाम शिल्पा। भगवान ने गीता में वचन दिया है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिम् अमृच्छति। यहाँ छोटे